हाँ जी, तो इस वीडियो में हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली के बारे में उसकी फ़ीस, कोर्सेस एंड प्लेसमेंट वगैरह देखें। तो अगर आप लोगों को पता नहीं है तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है एंड ये दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आती है। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो इसके टोटल 3 कैंपस हैं। एक कश्मीरी गेट में कैंपस है, सेकेंड करमपुरा कैंपस है एंड थर्ड इसकी लोडी रोड कैंपस है। उसके बाद अगर हम लोग इसकी कोर्सेस की बात करें तो आपको यहाँ से बी ए के कोर्सेस मिल जाते हैं, बी ए इन ग्लोबल स्टडी, बीए इन लॉ पॉलिटिक्स, ये सारे कोर्सेस आपको मिल जाते हैं। आपको बीए वोकेशनल के कोर्सेस मिल जाते हैं इन रिटेल मैनेजमेंट, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो कश्मीरी गेट में आपको बीबीए मिल जाती है, बीबीए कश्मीरी गेट कैंपस में ही बस होती है एंड वहाँ पे आपको बीए ऑनर्स भी मिल जाती है इन हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, सोशोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स इन इंग्लिश एंड साइकोलॉजी। ये सारे कोर्सेस आपको दोनों कैंपस में मिल जाते हैं, करमपुरा कैंपस एंड कश्मीरी गेट कैंपस। बट लोडी रोड कैंपस में सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट के कोर्स अवेलेबल हैं। हाँ जी, तो बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे टेलीग्राम ग्रुप के बारे में, तो मैंने एक न्यू टेलीग्राम ग्रुप एंड अगर आपकी कोई भी डाउट होगी तो कोई भी स्टूडेंट पूछ देगा एंड अगर आप लोग पर्सनली हमसे कनेक्ट होना चाहते हो तो आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो एंड मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको अपडेट मिलती रहती है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग रिजर्वेशन की बात करें तो दिल्ली स्टूडेंट के लिए, इसमें जो भी स्टूडेंट दिल्ली से अपनी 12th कम्प्लीट किए हैं या फिर दिल्ली के स्कूल से पढ़े हुए हैं उन सब के लिए 85% सीट रिजर्व रहती है एंड जो 15% सीट है वो सब आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट के लिए रिजर्व रहती है। एंड इसके अंदर जो रिजर्वेशन रहती है लाइक ओबीसी के लिए 27%, एससी के लिए 15% एंड एसटी के लिए 7.5% एंड जो पीडब्ल्यूडी हैं उनके लिए 5% एंड डिफेंस कोटा के लिए 5% एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 10%। तो इसके अंदर अलग से इनकी रिजर्वेशन रहती है। तो अगर हम लोग इसकी फीस की बात करें तो सबसे पहले अगर हम लोग बीबीए की कोर्स की फीस की बात करें तो इसकी टोटल फीस 2.5 लाख है, मीन्स 3 ईयर में आपको टोटल 2.5 लाख के अराउंड इसकी फीस पे करनी होगी। उसके बाद अगर हम लोग बीए की कोर्स की बात करें तो अराउंड 1.2 लाख इसकी बीए की कोर्स की फीस है पूरे टोटल एंड उसके बाद अगर हम लोग बीए वोकेशनल कोर्स की बात करें तो इसकी 1.5 लाख के अराउंड टोटल फीस है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बीए इन लॉ एंड पॉलिटिक्स की बात करें तो इसकी भी 1.5 लाख एंड जो बीए इन ग्लोबल स्टडीज है सोशल साइंस है इसकी भी आपको 1.5 लाख के अराउंड फीस देखने को मिल जाएगी एंड ये बहुत नॉमिनल फीस है। वहीं आप अगर दूसरे कॉलेज से बीबीए वगैरह करते हो तो आपको मोर देन 3 लाख पड़ती है, बट ये स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है तो 2.5 लाख के अराउंड ही आपकी बीबीए कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद अगर हम लोग इसकी प्लेसमेंट की बात करें तो इसकी प्लेसमेंट अराउंड 4.5 एलपीए एवरेज प्लेसमेंट रहती है। तो आई होप आपको इसके बारे में सारा कुछ पता चल गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हो।